बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अहम अमल की फ़ज़ीलत, दुआ से बलाओं का टलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ नफ़ा पहुंचाती है और उन बलाओं को टालती है जो नाजिल हो चुकी हैं, और उन बलाओं को भी जो अभी तक नाजिल नहीं हुई। इसलिए तुम लोग दुआओं का अहतमाम किया करो। एक गुनाह के बारे में क़ुरान में अपनी राय को दखल देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने क़ुरान में अपनी राय से कोई बात कही, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। दुनिया के बारे में, दुनिया आखिरत के मुकाबले में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, दुनिया आखिरत के मुकाबले में इतनी सी है कि तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाले, फिर निकाले और देखे कि उस उंगली पर कितना पानी लगा है। आखिरत के बारे में, अहले जन्नत के लिए हूरें। क़ुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उन अहले जन्नत के पास नीची निगाह रखने वाली बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें होंगी। वो हूरें सफाई में ऐसी होंगी गोया वो छुपे हुए अंडे हैं। तिब्बे नबवी से इलाज, राई के फ़वाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग राई को इस्तेमाल किया करो, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने हर बीमारी से शिफा रखी है। फ़ायदा, राई का तेल बालों में मजबूती पैदा करता है, सफ़ेद होने से रोकता है और जिल्द में नरमी पैदा करता है। क़ुरान की नसीहत, क़ुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद आजमाइश की चीज़ें हैं और अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा अजर है। जहाँ तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो, उसका हुक्म सुनो और फरमाबरदारी करो, अल्लाह की राह में खर्च करते रहो, इसी में तुम्हारे लिए खैर व भलाई है। और जो शख्स नफ्स की कंजूसी से बचा लिया गया, वही लोग कामयाब होने वाले हैं।